ये देखो लो जी, ओए ये तो टूटा हुआ, मैं इधर ही आके खड़ी हूँ। होए होए दसो जी, हेलो जी, यहाँ पर कौन हो सकता है, कैन यू गेस, हेलो जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों की रबिया बिलाल आप लोगों के सामने है। बस आप लोगों ने करना क्या है, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है, ज्यादा ज्यादा किया करें। और उसके अलावा दिन के रूटीन के काम हो रहे हैं और बस ये कि अभी बच्चों ने ट्यूशन जाना है। और एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये वो गुड न्यूज ये है कि मेरे हस्बैंड आज घर पर है। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर ये थी मजाक की बात है। खैर गुड न्यूज़ जब भी जो भी होती है मतलब शेयर हो ही जाती है, तो मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, मजाक कर रही थी। खैर कुछ ये सीन है कि आज हस्बैंड घर पर थे तो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान जाना है, बच्चों को ट्यूशन लेके जाना है, तो बस थोड़े से काम है, बच्चे ट्यूशन जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। तो बस आप लोगों ने साथ रहना, खरबूजा लेकर आए हैं और मुस्फा ने खाना है। पता नहीं अभी ये मीठा निकलता भी है या फीका होता है, पर खैर देखते हैं। और यहाँ पर रख दी हमने चाय बनना, तो बस उसे अभी हम काटते हैं। कट गया, वाओ खाएंगे मुस्तफा। ये ले मुस्तफा, वेलकम जी। तो अभी अभी हम लोगों ने चाय पी है और चाय पीने के बाद अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान और उसके बाद मुस्तफा को लेके जाएंगे पार्क में। और बस ये कि अभी ये नीचे जा चुके हैं, ये देखें बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस मैं भी जल्दी से नीचे जाती हूँ। यहाँ से लेंगे हम चाबियाँ, चाबियाँ चाबियाँ कहें चाबियाँ कहें चाबियाँ, अरे चाबी ये और मेरा वन एंड ओनली इकलौता बैग जिसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे हैं पर इसको यूज़ करने में इसलिए मज़ा आता है कि ये बड़ा है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं ज़्यादातर। ये ले लें, जी। तो हम लोग आ चुके हैं पार्क में, पहले हम गए थे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। खैर अभी हम यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पर अभी मैं बनाऊँगी व्लॉग। और ये मेरा फेवरेट तरीन पार्क है और यहाँ पर मैं बच्चों को पता नहीं काफ़ी टाइम से लेकर आ रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को इस पार्क के बारे में बताऊँ ना, ये मिनी जू है और यहाँ पर आपको हर तरह के एनिमल्स काफ़ी मतलब कम मिकदार में हैं पर हैं काफ़ी किस्म के, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। मुझे ये बहुत पसंद है, साफ़ सुथरा भी है, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है ना। जू है मैं तुम्हें स्मेल नहीं यार अब इतनी तो होगी। मंकी, हाँ यहाँ पर मंकी भी हैं, यहाँ पर काफ़ी किस्म के एनिमल्स हैं जो कि छोटे से लेवल पर बनाए हुए हैं पर बड़े मज़ेदार से हैं। और देखो जूए निकाल रहे हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो ये जुए निकाल के टाइम पास करते हैं। और देखो खा भी है, वो देखो ना मुंह में चला चबा रहा है, ये देखो ये निकाल, आए हाय हाय, तुम्हारे पड़ जाएंगे। हाँ वैसे दूर हो जाओ, मैंने सर ढापा हुआ, पता चले आपके बाल खुले में आपने ना चले। जी यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग हिरन के पास। अरे हिरन, अच्छा कुछ लोगों को जू बिल्कुल नहीं पसंद होता और कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। यार जानवर पसंद है मुझे, जानवर पसंद है पालने के हद तक, लेकिन तो बहुत तंग आ जाता हूँ मैं। अच्छा जानवर कुछ अच्छे लगते हैं, जिस तरह बकरी हो गई, गाय हो गई, गाय होगी गाय होगा होगी दोनों ही हो सकते हैं, जो रख लो। इसको पका के खाते है ना हिरन को, हाँ बहुत महंगा जानवर, महंगा मैंने कभी खाया नहीं है जी। तो यहाँ पर एक बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक जानवर है जिसे मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। हालांकि मिनी जू है छोटा सा, पर इन्होंने खतरनाक वाला भी रखा है। सबसे खतरनाक जानवर यही है, हाँ यहाँ पर यही है, पर अभी मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। हाँ मुझे दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसको पूरे जंगले में बंद किया हुआ है, नहीं तो ये आपको खा जाएगा, पड़क करके खा जाएगा। और वो ये रहा, ओए देखो, अच्छा इधर मिट्टी में भी है, ओए होए इतने मोटे मोटे, यार पीछे ही रखिएगा इसको, पीछे रखें, कोई पता नहीं है जंगले पे भी दांत मार सकते। ये देखो लो जी, ओए ये तो टूटा हुआ है, मैं इधर ही आके खड़ी हूँ, मुझे पीछे रहना। राबिया अगर तुम्हारा आईफोन इसमें गिर जाए तो निकाल लोगे, चैलेंज है तुम्हारे लिए। चलो नहीं वो ये खा जाएगा है? मैं इसमें आईफोन जाएगा और निकालूंगी, मैं ऐसा करता हूँ ना, आप लग रहा है दूसरी शादी करने के मूड में। नहीं करता, नहीं आप ऐसा कुछ भी मत करें, मैं जब रहूंगी नहीं तो मुझे पता है। आप भी प्लानिंग बहुत अच्छी जा रही है। अब बताएं ये टूटा हुआ है, इसमें आईफोन फेंकेंगे, मैं निकालूंगी तो मेरा क्या होगा और फिर इनका क्या होगा? वैसे भी इनको शादी और व्लॉग वगैरह बड़े पसंद आ गए ना। मुँह वो क्या कहते हैं, पल्ले पै गई हैं तेरे, सोखा साल लैन दूंगी, मेरा दिल तोड़ेगा तो तेरा मुंह तोड़ूंगी। खाना दो कितना गंदा है यार, नहीं करो यार। अच्छा पब्लिक प्लेस में मैं इनको मुक्के मार रही, सोचो यार सब देख रहे हैं। अब शर्म आ रही है, एक और मुक्का मारती नहीं, नहीं शर्म की क्या बात, शर्म आ रही है।
वाकई यार स्मेल थोड़ी थोड़ी तो स्मेल यहाँ पे क्यों है? पर यार जानवर है ना, जानवर में होती है खाने की वजह, वो मुर्गी के मुर्गी के मुंह और एक्स्ट्रा वो जाहिर है उसमें कीड़े और बदबू होगी। लेकिन मुर्गी का एक्स्ट्रा सामान कहाँ जाता है, वो यहाँ आता है। इनका खाना इतना कम कम देते हैं, बेचारों का बीपी लो होता है और ये बेहोश पड़े रहते हैं, मुझे ये लगता है ना ऐसा ही है ना। इनका भी बीपी लो होता है जाहिर है, जब एक खुराक आप लिमिटेड दोगे होता है। नहीं अगर इनको सही बन दिया जाए ना, पूरे पूरे ऊँट खिलाए जाए तो ये यहाँ पर ना ठहरे ही ना, ये जंगला वंगला सारा गया होगा। पर यहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट है, उनको बताना चाहिए कि टूटा हुआ है, यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं और कोई भी हाथ अंदर कर ले गलती से तो मसला हो सकता है। अच्छा कल हम लोग मेन रोड से गुजर रहे थे, ओए होए होए कराची की खुशबुएं, ओए होए होए सच में कपड़ों में भी आ रही थी, पूरे जिस्म में कपड़ों में सब जगह रच जाती है। वहाँ पर वो है टैंकर गुजरते हैं, ट्रालर गुजरते हैं, उसमें ना वो सारा गंदा मवाद जो भी होता है ना, सब चीजें गंदे टैंकर होते हैं। वो गंदे टैंकर होते हैं, उनमें गंदगी होती है, तो इसलिए मसला होता है, जहाँ से गुजरते हैं इंसानों में भी बदबू आ जाती है। इतना बड़ा तो तू, और यहाँ पर ब्लू कलर का इतना बड़ा तोते, तोते के साथ यहाँ मंकी था, मंकी किधर गया? मंकी लगता है हमसे डर गया, छुप गया हमसे, मंकी छुप गया, मंकी अरे यहाँ मंकी है, मंकी नजर नहीं आ रहा, और यकीन जाने अंधेरे में बैठा हुआ है। मंकी आ गया, इसको लगा मैं कुछ खाने को लाई हूँ, भाई खाने को तो छोरी में नहीं लेकर आई कुछ, कैसे हो सही जा रहा है आपका काम? तमाशा वमाशे अच्छे कर लेते हो? ये तमाशा वाला बंदर नहीं है, दूसरा बंदर है कोई, ये शरीफ बंदर है, वो जो नकल उतारने वाला था वो चेंज होता है, ये नकल उतारने वाला नहीं है। ये टिश्यू यू समझ रहे, मैं कुछ खिला रही हूँ उसे, खाएगा नहीं, वो सूंघेगा देखेगा और फेंक देगा। बेचारे को धोखा दे रहे हो, बोले इसकी धुम कितनी लंबी है, लंबी धुम वाला बंदर है, इंसान ही पहले बंदर था, अभी भी बहुत से इंसान अभी भी बंदर ही है। हमेशा यहाँ पर आकर चाय वगैरह पीते, और यहाँ की चाय इतने मज़े की है, पर आज हुआ कुछ यूँ कि हमने घर पे चाय पी ली, कब्रिस्तान से सीधा फिर यहाँ का प्रोग्राम बन गया। था मुस्तफा को कहीं लेके जाने का, पर कहते यहाँ चलते, अगर मुझे पता तो हमने यहाँ आना है तो मैं कभी भी घर पर चाय ना पी। छोटा सा जू है, बहुत मज़े का है। अच्छा यहाँ पे संडे को मत आना, संडे को बिल्कुल मत आओ, हाँ सैटरडे को भी बहुत रश होता है, लोग पिकनिक कर रहे होते, दबाओ कि यहाँ पे पूरा चकास भरा हुआ होता है, लोगों ने देगड़े और बड़ी बड़ी पतीलियाँ खोली भी होती हैं कि जी हम लोगों की तरफ से। एक दो याद है हम भी आए थे खाना वाना लेकर, और पूरी पिकनिक के तौर पर हम लोग आए थे, बड़ा मज़ा आया था। खैर नॉर्मल अगर आपको चिल माहौल चाहिए ना, तो आपको नॉर्मल डेज में आना पड़ेगा, जबकि वर्किंग डेज में, हाँ वर्किंग डेज में आना पड़ेगा, सैटरडे संडे फंस जाओगे। यार मैं बोल रहा हूँ कि तुमने तस्वीरें बनाने में लगी हुई हो, यहाँ पर मुझे बंदरों के साथ बिठाया हुआ है, बदबू आ रही है, वहाँ पे बैठ जाओ यार, आके ये जगह मिली है, चले आ जाए, मैं आपको अच्छी खुशबू वाली जहाँ फूल लगे हुए ना वहाँ बिठाती हूँ। कहाँ पे फूल लगे हुए, कहाँ पे खुशबूएं आ रही हैं जरा मुझे बताओ इस पार्क में। अजय नारियल के दरख्त पे नारियल लगे हुए, बदबू पूरे पार्क में हल्की हल्की आएगी, इन्हें जिस पे लिखा हुआ है मुझे इस्तेमाल करें, जहाँ पे चीज़ पे लिखा होता है डू नॉट टच इट, वहाँ पे जाके लोग टच करते हैं, जहाँ लिखा होता है मुझे इस्तेमाल करें, वहाँ कहते हैं हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा ना उल्टा सिस्टम, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे इस्तेमाल नहीं करें। हाँ यहाँ पे लिखते हैं ना तो सब लोग अंदर झांक झांक के देखते कि अंदर है क्या, और लिखना चाहिए था अंदर मत झांक के, अंदर खजाना है तो सब ने झांकना था। और इससे आगे आई हूँ तो ओए होए होए दसो जी, हेलो जी, यहाँ पर कौन हो सकता है, कैन यू गेस, हेलो जी, यहाँ पर है डक। और सच बताओ ना, मेरी एक ख्वाहिश है डकी भाई से मिलने की, देखो कब पूरी होती है मेरी क्या ख्वाहिश और कब कैसे। इंसान को ना अपनी बात कह देनी चाहिए, ज़िंदगी में जो कहा होता है ना वो कभी भी कबूल हो जाता है, और डकी भाई से मिलने की ख्वाहिश, डक्स देख के हमेशा डकी भाई याद आते हैं और मिलने को दिल करता है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, मिलेंगे ना इंशाल्लाह। मैंने कहा वहाँ चल के बैठते हैं जहाँ पे खुशबू आ रही है फूलों की, तो ये इन्होंने फूल बनाए हुए, आप यहाँ बैठ जाएं, मुझे मैंने कुछ खाना, और बाबा को कह रहे हैं कि मुझे दिला दो, वो जा रहे हैं चीज़ लेने, और मैं यहाँ पे अकेली बैठ गई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। एक दफ़ा हम यहाँ पर आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, अम्मी लोगों की फैमिली थी और मैं थी और अम्मी लोगों की फैमिली थी, हम लोगों ने यहाँ पर खाने की चीज़ें भी लाए और साथ में हमने खूब पिकनिक वाला माहौल बनाया, और हम लोग चले गए झूलों पर, और झूलों में वो जो कश्ती वाला झूला नहीं था जो बहुत ऊपर जाता है बहुत हाइट से नीचे आता है, वो वाला लॉन्च कश्ती वाला झूला था। भाभी को झूले खाने की बिल्कुल भी नहीं आदत, तो हम लोगों ने मिलके साथ चलो चलो मज़ा आएगा एंजॉय करेंगे हम सब मिलके 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 हम चले गए, और यकीन जानो भाभी का बुरा हाल, और उसके बाद उससे ज़्यादा बुरा हाल भाई का हुआ हुआ था, वो हाथ से पकड़ के कश्ती को रोक रहे थे कि किसी तरह मैं कश्ती रोक लूँ, और कश्ती रुक नहीं रही थी और टाइमिंग पर होती है तो झूला रुके ना, और भाई का इतना बुरा हाल हो चुका था कि किसी तरह झूला में हाथ से ही रोक लूँ। खैर जब भाभी नीचे आई
उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई पर ये कि नॉर्मल हो गई। और भाई ने सब पे गुस्सा किया, जिस शख्स की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे झूलों से प्रॉब्लम, उसे क्यों लेके जाते हो। अभी हमने भी कानों का हाथ लगाया, जिसके साथ मसला है वो नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। वह आ चुके हैं और मुस्फा के मोस्ट 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 फेवरेट पॉपकॉर्न। तो बस अभी हम घर जाने लगे हैं और मुस्फा ने कहा मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, डक को भी दूंगा। तो अब ये यहाँ पर डक को देने चले गए हैं। अभी काटी करेगा ना मुस्फा, डर जाएंगे। झूले वाले साइड भी है, हमें देर हो रही है, नमाज मगरिब होने वाली है तो हम जा रहे हैं घर पर, घर जाके मिलती हूँ। जी तो मैं घर आ चुकी थी, अभी भी मैंने नमाज पढ़ी है। तो यहाँ पर हस्बैंड ले आए थे आलू मटर और साथ में मैंने निकाले चावल, तो चावल हैं कम। अभी पता नहीं सालन बनाना पड़ेगा या चावल और आएंगे तो चावल बनाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने बनने रख दिए चाय, अभी हम पियेंगे चाय और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि घर में क्या बनेगा। मटर पुलाव बनता है या मटर की बिरयानी बनती है या फिर रोटी सालन, मटर का सालन बनेगा। खैर अभी हम देखते हैं, चाय पी लूं फिर मिलती हूं। अभी छिलने लगी हूँ मैं मटर। अरे ये तो छिलके हैं, मटर कहाँ गए? ये रहे मटर। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जादू? अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। पता है ये व्लॉग कौन ऐसे बनाता है, इंडियन लोग बोलते हैं ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, गाइस प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस गाइस प्लीज, आप लोगों को बीच में आगे चल के बहुत अच्छा मिलने वाला है सरप्राइज गाइस। ये क्या है, और तो नहीं हो गई? चलो खैर कभी कभी व्लॉगरों को और भी होना पड़ता है। मिलती हूँ, खाना बना के। अच्छा डिसाइड पता है क्या हुआ हमारे यहाँ? अब मैंने बोला मटर पुलाव बनाऊँ या मटर का सालन बनाऊँ या मटर की बिरयानी बनाओ, तो इन्होंने मुझसे कहा मटर की बिरयानी बना लो। अब हमारे घर में आलू मटर की बिरयानी बनने वाली है और साथ में चिकन भी लाए। अरे मुझे लेट हो रहा है, मैं खाना बना लूँ। ओए होए दम ही नहीं आया। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करके बोलेंगे ओए होए होए दम आ गया, चलो दम ही A few moments later. तो बिरयानी हो चुकी है रेडी, दम आ चुका था। मैंने कहा पहले मैं डाल दूं और खिला दूं। पहले जो मेरे साथ हो गया ना वही बहुत है। ये बिरयानी में मटर आलू और चिकन है। वाह वाह, आ जाएं आप लोग भी हाथ मुंह धो के देखते हैं। घर में चिकन बनी है, चिकन हाँ बीफ बन रहा था ना, बीफ बन रहा था ना इसलिए। हाँ तो चिकन देख के हैरत हुई है, बिरयानी देख के हैरत हुई है, बिरयानी का कलर देख के इसलिए हैरत हुई है। आज मैंने ना इसमें पता क्या किया है, आज मैंने ना हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है कि चावल येलो येलो लगे, क्योंकि बिरयानी में जब हल्दी का टच होता है ना चावलों पे जो आता है वो बहुत मज़े का लगता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा मसाले में डाली थी तो वो कलर बहुत प्यारा सा आया। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और कमरे में मैं जिस टाइम आती हूँ ये यहाँ से नीचे चला जाता है और पंखा चलता है जिसकी वजह से ये नीचे चला जाता है। और ये मैंने पता है क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, इससे फर्नीचर ख़राब नहीं होता है, ना ये ख़राब हुआ है ना वो ख़राब हुआ है ना ये ख़राब हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो बिल्कुल सही है, वरना बच्चों वाले घर में बहुत बुरा हाल हो जाता फर्नीचर का अगर आपको शीट नहीं बिछाएंगे। खैर अब मैं व्लॉग को एंड कर रही थी और एंड में आप लोगों को याद दिला दूं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। और बस मुझे दुआओं में याद रखें, मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।